तुम शुक्रिया, तुम मेरे घर में घुस गई। क्या क्या कुछ खुसर पुसर हो रही है? नहीं, अच्छा मासी क्या बन रहा है? एक सेकंड इधर आके बैठ। क्या बात है? हम सारे कजिन्स एक साल में एक बार मिलते हैं, राइट? राइट, मिलते तो हैं। किन बदमाशियों के लिए पटाया जा रहा है मुझे? क्या प्लान क्या है तुम लोग? एक्चुअली प्लान कुछ नहीं है, वो खुराना अंकल का बंगलो है ना, तो हम सब और मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलकर वहाँ वीकेंड स्पेंड करना चाहते हैं। नो वे, सॉरी, इतने बड़े नहीं हुए हो तुम लोग अभी कि खुद ही सब ट्रिप प्लान करो, एंड ओवरनाइट तो पुत्र भूल ही जाओ प्लीज। अरे कम ऑन मासी, मेरे सारे फ्रेंड्स ना अकेले ट्रैकिंग पे गए हैं। प्लीज मासी, जाने दो ना ईशा को हमारे साथ, फिर मम्मा भी हाँ कर देंगी। अगर क्रिश को साथ ले जाओगे तो लगता है ये क्रिश की बाइक की आवाज है ना? हाँ ये क्रिश की बाइक है। क्रिश, हमारे साथ कुरान अंकल के बंगलो चलो ना, क्योंकि तुम्हारे जाने पर ही मौसी हमें परमिशन देगी। प्लीज क्रिश। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज चलना, प्लीज प्लीज, मना नहीं करना। अरे क्रिश, क्रिश, अरे बात तो सुनो पूरी। अरे क्रिश, क्रिश प्लीज सुनो तो। अरे क्रिश, अरे प्लीज, क्रिश, प्लीज रुको प्लीज, तो क्रिश, क्रिश 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 प्लीज लिसन ना। क्रिश प्लीज लिसन ना। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ चलो ना, बहुत मजा आएगा। सीरियसली नो मींस नो। प्लीज क्रिश, मेरे लिए चल पर यार। और वैसे भी विक्की भाई कह रहे हैं कि हम भी अपने दोस्तों को बुला सकते हैं। हाँ। और मैं ना आकाश को इनवाइट करना चाहती हूँ, फिर इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। प्लीज क्रिश प्लीज प्लीज प्लीज। और अगर तुझे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना है तो कोई भी दोस्त, गर्लफ्रेंड को बुलाना है तो कोई भी। अरे नहीं विनी, बस इतना कहना चाहती है कि अगर तुझे भी अपने किसी दोस्त को बुलाना है तो तू भी बुला ले। दैट्स इट? नो क्रिश प्लीज 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 प्लीज। अच्छा प्लीज, सिर्फ मेरे लिए। ओके ऑलराइट 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 ऑलराइट। अरे पुत्र आ गई तू? क्यों जबरदस्ती मुझे इन चीजों में फंसाते हो मम्मा? आप ही का तोप आइडिया था ना ये। क्रिश पुत्र, तू मेरा समझदार बेटा है तो संभाल लेगी इन लोगों को, एंड फिर यू विल आल्सो एंजॉय ना बेटा। मम्मा बहाने मत लगाओ, एंजॉय और इन जोकरों के साथ। क्रिश पुत्र सुन तो, मैंने पम्मी के बेटे गिप्पी से कहा है कि वो तेरे साथ जाए, बड़ा हैंडसम मुंडा है बेटा। मम्मा गिप्पी वो कम दिमाग, मैं क्या करूंगी उसके साथ? क्रिश सुन तो, खड़े रह के बात करना मुझसे, माँ हूँ मैं तेरी। हाँ जी बोलो। कृषिका तू कब तक इस तरह अकेली घूमने वाली है मुझे ये बता दे, और कोई और दोस्त बनाया है तूने जिसके साथ तू जा सके? मम्मा क्या सब लोग ये दोस्त दोस्त का रिकॉर्ड बजाते रहते हैं, मैं अकेली ठीक हूँ और मुझे अकेले ही रहना। तेरी उम्र में लड़कियाँ लड़कों से मिलने के बहाने ढूंढती है, अरे फोन पर घंटों तक मुंह करके बातें करती है, और एक तू देख झल्ली, एक बॉयफ्रेंड तक नहीं मिलता तुझे? अगर मैं कहूँ मेरा बॉयफ्रेंड है तो? अच्छा है तो ले आओ उसे यहाँ, मिला इन सबसे, फिर मैं भी कह देती हूँ क्रिश, मैं ये पम्मी वम्मी शम्मी के बारे में बातें नहीं करूंगी, और अगर नहीं हुआ ना तो गिप्पी तो है ही। हे क्रिश, निक तुझे ढूंढ रहा है। हे क्रिश, निक तेरा कैंटीन में वेट कर रहा है यार। वो कमाल है, पूरे कॉलेज ने तुझे मेरा मैसेज दिया पर तूने फिर भी कॉल नहीं किया। क्या चाहिए तुझे निक? प्लीज सुन ना, कुछ पिक्चर सेलेक्ट हुआ, पब्लिशर को हर पिक्चर के साथ एक धांसू राइटअप चाहिए, प्लीज यार तू लिख दे। नॉट इंटरेस्टेड निक। प्लीज 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 बना कर, मुझे मंडे तक कॉपी सबमिट करनी है, प्लीज लिख दे। NOT नॉट इंटरेस्टेड निक। कम ऑन क्रिश, प्लीज लिख दे यार। क्रिश क्रिश प्लीज 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 क्रिश 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 प्लीज प्लीज लिख दे यार क्रिश। प्लीज क्रिश मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्लीज क्रिश। तू पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा, उठ यहां से। प्लीज 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 प्लीज, मेरी फोटोज पब्लिश हो रही है यार, प्लीज एक राइटर दिख दे मेरे लिए, प्लीज क्रिश प्लीज, मना मत करना क्रिश। निक निक मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तेरा खून कर दूंगी, उठ जा, सब देख रहे हैं। जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा, प्लीज एक बार हां बोल दो। अच्छा ठीक है, उठ। पक्का?
जो मैं बोलूंगी वो करेगा 110%। अगर मैं कहूँ मेरा बॉयफ्रेंड है तो? अच्छा है तो ले आओ उसे यहाँ, और अगर नहीं हुआ ना तो गिप्पी तो है ही। लो मामा, ये वीकेंड के लिए बॉयफ्रेंड तो मिल गया। ये करना जरूरी है? सुन ना कृष, देख मैंने तुझे वैसे भी सारे फोटोज दे दिए, अब मुझे साथ में चलने की क्या जरूरत है? बुक चाहिए कि नहीं? अच्छा मौका मिला बेटा, कर ले ब्लैक में। अच्छा एक काम कर, तू ना मुझे अगले सेक्टर से पिकअप कर ले, मैं जाता हूँ। राजा ओ हेलो, ओ हेलो। हाँ क्यों, बाइक पे लड़की के पीछे बैठने में शर्म आती है? धीरे बोल, समझा कर बात को। क्या है ना, कॉलेज का डूड हूँ मैं, सो यहाँ पे एक रेपुटेशन है, प्लीज क्यों मेरी रेपुटेशन की बैंड बजा रही है? तुम चल रहे हो या मैं निकलूं? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक है। एक काम कर, तू ना मुझे अगले चौक तक चलाने दे फिर। मेरी बाइक? हाँ। इधर आ, आज तो बोल दिया है, दोबारा बोलने की ना हिम्मत भी मत करना। अब अगर आपके नखरे पूरे हो गए हो तो चले। हेलमेट पहन रहा हूँ। अच्छा चला लेती हो वैसे तुम, नॉट बैड, गुड है ना। तुम कॉलेज में किसी से बात नहीं करती ना? टैलेंट है यार, मैं ना किसी से बात किए बिना रह ही नहीं सकता, बड़ा बोर सा हो जाता हूँ मैं। तुम अपनी बाइक किसी को चलाने नहीं देती, स्क्रैच पड़ जाएगा, डर लगता है। यहाँ आगे ना बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं, चल ना रुक के खाते हैं, 2 मिनट लगने हैं यार। वैसे यू नो फोटोग्राफी का शौक ना मुझे बचपन से रहा, बचपन से बस आड़ी टेढ़ी फोटो खींचते रहता हूँ, खींचते रहता हूँ। मेरी माँ कहती ना तू कैमरा के साथ ही सोता है। यू नो वैसे मेरे पास भी ना एक बाइक थी, क्या है ना मेरी मॉम ने मुझसे वापस, यू नो टिपिकल पंजाबी मदर, नहीं बेटा कुछ हो जाएगा तुझे। अच्छा एक काम करना, 2 मिनट रुक जाते ना यार, काफ़ी देर से चल रहे, दर्द हो रहा है बड़ा अब। अच्छा मैं क्या कह रहा था, अभी हम लोग ये वीकेंड पे जा रहे हैं, हम लोग करने क्या वाले हैं वहाँ पे? मेरा जाना क्यों ज़रूरी है वहाँ पे? हेलो, बस ट्रेन में बंदे देखे हैं, उनको देख के हमेशा यही सोचता हूँ यार कि कैसी होगी इनकी लाइफ। तुमने कभी ऐसा सोचा है? वाह यार क्या बंगला है, यहाँ रहता कौन है वैसे? हैं तेरा घर नहीं है तो कन्फर्म। कुछ कहा क्या? तुम पूरे रस्ते म्यूजिक सुन रही थी? हाँ मेरी एक भी बात नहीं सुनी तुमने? अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे एक्सीडेंट हो जाता हमारा रस्ते में, अपने बारे में मत सोचो, मेरा तो सोचो, मैं मर जाता तो मेरा क्या होता, कितनी लड़कियों के दिल टूट जाते तुम्हें पता है? निक ईयरफोन्स पहने थे, अंधी नहीं हूं मैं। और हाँ एक और बात, यहाँ पे सबको लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए यही लगना चाहिए कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। चलो बॉयफ्रेंड तेरा। ओए ओए रुक, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसे कैसे सोचेंगे लोग, उनका दिमाग खराब है? इसलिए सोचेंगे क्योंकि मैंने उनसे कहा है। कम ऑन क्रिश, देखो मेरी तरफ, कॉलेज का कूल डूड हूँ, किसी भी अंदर से ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं लगता, कभी नहीं मानेंगे वो लोग। बुक लिखवानी है कि नहीं? लिखवानी है तो बनवाना ही पड़ेगा। यार ये अजीब जबरदस्ती, हाँ ऐसे भी एक्टिंग क्या करूँगा मैं, तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं जानता। क्यों कॉलेज में तो बड़े डूड बनते हो, लड़कियाँ आसपास घुमाते हो, अब क्या हुआ निकल गई फूक? सोच लो, मुझसे दूर रहना फिर शायद मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। मुझ जैसे बॉयफ्रेंड से खुद को दूर रख पाओगी? हेलो, एक्टिंग करनी है, पास आने की कोशिश भी मत करना। मेरी एक्टिंग में भी इतना दम होगा कि तुम खुद को मुझसे दूर रख नहीं पाओगे। अगर संभाल सको तो संभाल लेना। ओ एंड बाय द वे गुड लक। हाय 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 दी, हाय, सो गुड टू सी यू। हाय हाय, मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं हूँ ईशा, क्रिश मेरी दीदी है,
I'm sorry. वैसे तो दी इतनी secretive है कि हम में से किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता था, पर अब जब तुम आ गए हो तो तुम ही बता दो. Nice to meet you. Nice to meet you. So, आप लोग कब से डेट कर रहे हो? एक महीना. वैसे तो हमें एक साल हो गया डेट करते हुए, पर ऐसा लगता है जैसे हम अभी अभी तो मिले पिछले महीने. है ना बेबी? वाओ, सो रोमांटिक. वैसे और कहाँ कहाँ आप लोग हैंग आउट करते हैं? हम लोग यूजुअल, लेट मी से, यही कैफेज, मूवीज, रेस्टोरेंट, पार्टीज एक्सेट्रा. पार्टीज? और दी? ऑफ कोर्स मैं पार्टी बता दूं. यू नो क्रिश एक बार डांस फ्लोर पे आ जाती है ना तो उसे कोई मैच नहीं कर सकता. शी इज फैंटास्टिक. बेबी बहुत लंबी राइड से आए हैं ना, थक गए होगे, रेस्ट करो. चलो आई शो यू योर रूम. और ये है तुम्हारा कमरा. और निक का कमरा? वो एक्चुअली तुम्हारा कंफर्म नहीं था और हमें से किसी को भी नहीं लगा था कि तुम्हारे साथ कोई आएगा. तो ईशा मैंने तुम्हें पहले कम ऑन ईशा, ऑफ कोर्स हमें साथ में रहना है. क्रिश मजाक कर रही है. डोंट वरी, हम लोग मैनेज कर लेंगे. अब इनसे क्या छुपाना, ये सब तो हमारे अपने हैं, मैनेज कर लेंगे ना बेबी. सो स्वीट. डोंट वरी, हम लोग मैनेज कर लेंगे. ओके, तो तुम दोनों कंटिन्यू करो. बाय बाय ईशा. बाय बाय बाय. तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं बन रहे थे. मैम आपका बॉयफ्रेंड हूँ, बॉयफ्रेंड से ऐसी बातें करते. बॉयफ्रेंड नहीं हो, बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहे हो. और हाँ, तुम अपनी हद में रहो, पहले दोस्त बनाओगे फिर उसके बाद पास आओगे फिर कहोगे ट्रस्ट मी. मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का. वैसे भी तुम ही लाई हो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना के. रुक तो. I just can't believe it. मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ एडजस्ट कैसे करूंगी? सिंपल है, वो काउच दिख रहा है तुम्हें, तुम उस काउच पे सो जाना, मैं इस बेड पे सो जाऊंगा. मैनेज कर लेंगे यार. इस काउच पे मैं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऑफ कोर्स, कॉलेज में यूं ही लड़का बना फिरती हो ना. नाउ इट्स द टाइम, कम ऑन ब्रो, बी अ मैन. निक तुम पागल हो चुके हो, तुम चाहते हो एक लड़की इस काउच पे सोए और तुम लाट साहब की तरह उस बेड पे लेटे. भाई कैसा है तू, और क्या चल रहा है वहां पे? बदतमीज. पता नहीं यार, अब तक तो ठीक हूँ, पता नहीं कब काट ले. लेकिन ये तो बता कि वहां चल क्या रहा है, सीन क्या है? तुझे फार्महाउस पे क्यों लेके गई है? झल्ली है, इसके कजन के साथ ना वीकेंड है, वहीं पे आया हूँ. यहाँ पे ना इसके बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग भी करनी पड़ रही है. बॉयफ्रेंड? वो भी क्रिश का. भाई वो लड़की कब से बन गई? सही है बेटा. वीकेंड बॉयफ्रेंड, तू वहाँ ऐश कर रहा है और हम यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हैं. था कैश. सुन मेरे भाई, सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहा, वो भी सिर्फ उसके कजिन्स के सामने. स्टोरी वहीं शुरू वहीं खत्म, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. ठीक है, और वैसे भी मुझे तो सिर्फ अपनी बुक से मतलब है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना. चल सुन, खड़ोस वापस रूम में आ गई ना तो उल्टा कुछ पंगा हो जाएगा, तुझसे बात ना करता हूँ. बाय. तुम लोगों को जानता नहीं हूँ, पहले मैं कहूंगा डेयर, देन तुम लोग बोलोगे क्रिश को किस करो. आई मीन ये भी कोई डेयर हुआ? तो दिल से निकलने वाली चीज है ना. है ना बेबी? सो इसीलिए ट्रुथ पूछो, क्या पूछना है? ठीक है, तो आप अपनी लव स्टोरी बताओ. आई मीन अपनी और क्रिश्ती की लव स्टोरी. लव स्टोरी? हाँ हाँ प्लीज निक तुम ही बता दो. देखो तुम तो दी को जानते हो, वो तो हमें कुछ भी नहीं बताने वाली है. सो प्लीज टेल अस, कहाँ मिले, कैसे मिले और सब कुछ. ओके ओके, मैं और क्रिश कॉलेज के पहले दिन में मिले. क्या हुआ निक?
याद नहीं है क्या? भूल गए? मैं? Of course not. I mean, मुझे याद है. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था और तभी अचानक गेट पर एक बाइक आकर रुका. बाइक पर कोई था जो वॉचमैन से बहस कर रहा था. गेस करो कौन था? कृष्णी. करेक्ट. फिर मैडम लड़ झगड़ कर अंदर आई पार्किंग एरिया में. बाइक साइड में की, हेलमेट उतारा और मैं बस देखता ही रह गया. कृष्णी को वो इतनी अच्छी लग रही थी. तुम्हारी कृष्णी की बाइक को. पहली बार हम वही मिले थे ना? हाँ. और फिर मैं अपनी आईडी लेकर ऑफिस से बाहर आई तो मैंने देखा एक मेरी बाइक पे बैठा हुआ है और मेरी बाइक को देख रहा है. बहुत क्यूट लग रहा था. ओहो, एक मिनट, तुम दी की बाइक पे बैठे थे वो भी उनकी परमिशन के बिना. ओह माय गॉड, हाथ पैर नहीं तोड़ दिए इसने तुम्हारे? नहीं. और निक उस बाइक पे बैठा हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा था. फिर अचानक सडनली सब कुछ पॉज हो गया. धीरे 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 क्रिश चलकर मेरी तरफ आने लगी और फिर अचानक और फिर मैं और निक एक लॉन्ग राइड पे चले गए. बहुत लंबा रास्ता था पर मंजिल कोई नहीं थी. ना निक कुछ कह रहा था और ना ही मैं. और फिर जब रात को ठंड बढ़ने लगी तो निक ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कंबल की तरह ओढ़ लिया. वाओ, सो रोमांटिक. और फिर दूसरों के लिए वो कहानी थी निक, हमारा तो किस्सा था ना. Our first meeting. So, so, so cool, Dee. I just can't believe it. It's wow. Cheers. Let's spin. क्रिश, आई थिंक जो तुम नहीं हो ना सबको लग रहा है कि तुम हो और जो तुम एक्चुअली हो वो तो किसी को पता ही नहीं. देखो अब तुम ऊपर से कितनी खूसट खड़ूस लगती हो बट तुमने नीचे का किस्सा सुना है? मैं तो फैन हो गया तुम्हारा. आई मीन आज पता चला कि रोमांस तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा. खड़ूस हो, खूसट हो और एक राइटर हो. फालतू की कहानी बना के सुना दी इससे पहले कि तुम मुझे फंसा देते. दैट्स इट. कोई रोमांटिक वोमांटिक नहीं हूं मैं. ज्यादा दिमाग मत चला और मुझे मेरा काम करने दो. रोमांस जब तक दिल से ना निकले ना सामने वाले के दिल तक नहीं जाता. अब तुम कुछ भी कह लो रोमांस तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है. अब देखो ना तुम मुझे यहाँ लाए अपने कजिन के सामने कूल बनने के लिए अपना बॉयफ्रेंड बना के बट मुझे लगता है कि हम यहाँ से कम दोस्त बन के तो जाएंगे. व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मैं दोस्त वोस्त नहीं बनाती. ये क्या बेतुकी सी बात हुई? दोस्त किसे नहीं चाहिए होते और वैसे भी तुम और मैं तो एक साथ काफी रॉक करते हैं. हमें तो दोस्त होना ही चाहिए. एंड यू नो अगर लाइफ में दोस्त ना हो तो लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो जाती. आई थिंक तुम्हें आज तक अच्छा दोस्त मिला ही नहीं है इसलिए तुम्हें पता नहीं कि अच्छे दोस्त होते कैसे. बट कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छे दोस्त. बस क्या हुआ? मना कर रही हूं ना बार बार. दिमाग में समझ नहीं आ रहा है क्या? दोस्ती का मतलब ही पता है तुम्हें? एक बात बताओ, तुम यहां मेरे साथ किस लिए आए हो? कि बुक लिखवाने ना?
और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे अपने कजन के सामने किसी को लाना था। That's it, Nick. थोड़ी सी बातें क्या कर ली, तुम तो पागल ही हो गए। जो कुछ ये तुम्हारे घटिया दिमाग में चल रहा है ना, सब जानती हूँ मैं। आज दोस्त बनाओगे, कल बेस्ट फ्रेंड बनाओगे और उसके बाद बेइज्जती करोगे। नहीं होने दूंगी मैं। भूल जाओ निक, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। Just forget it. ओए, बस कर। क्या समझती हो तुम खुद को? कब से बकवास किए जा रही हो? हाँ, तुम्हें ना अकेला ही रहना चाहिए। अकेले रहते हो तो तुम सही रहती हो। और वैसे भी दोस्ती करने जैसा तुम्हें कुछ है ही नहीं। तुम दोस्ती के काबिल ही नहीं हो। मेरी बला से ना जिंदगी भर अकेले रही हो तुम। सॉरी अबाउट लास्ट नाइट, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बकवास कर गया। वैसे मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। ये वीडियो देखा है निक? हाय गाइस, दिस इज गोना बी बिग फन, जस्ट चेक इट आउट। ऑफ कोर्स देखा है, तुमने पहले नहीं देखा? ये सारे सोशल साइट्स पे वायरल हो गया था ये वीडियो। सब बंदे अपने फ्रेंड्स को टैग करने में लगे हुए थे। बहुत फनी वीडियो है। यू नो, लड़की बिल्कुल पागल है। अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर भूत के गेटअप पे चली गई थी। क्रेजी गर्ल। ये लड़की मैं हूं निक। और मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि वहां सब ऐसे ही कपड़े पहन के आएंगे। ये निशा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और ये राज जिसकी उस दिन पार्टी थी। निशा ने मुझसे कहा था कि हैलोवीन थीम पार्टी है और वहाँ सब ऐसे ही कपड़े पहन के आएंगे, इसीलिए मैं वैम्पायर के कॉस्ट्यूम पहन के गई थी। गेस व्हाट, ये निशा का प्लान था मेरा मजाक उड़ाने का, क्योंकि वो भी राज को चाहती थी। तुम्हें पता है निक, उसने हर जगह वो वीडियो वायरल भी किया। और जब आपका कोई करीबी दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ ऐसा मजाक करता है ना, तो ये दोस्ती, ये ट्रस्ट, ये सब चीजें मायने ही नहीं रखती। सब बकवास लगता है निक। Doesn't mean anything. पहले तो तुम इस वीडियो को डिलीट करो। नहीं निक। अलाउ मैं करता हूँ। निक। Now, move, move, move. Hi, I'm Nick. दो दिन पहले तक मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता था, पर अब मैं तुम्हें धीरे-धीरे समझने लगा हूँ। तुम्हें अपने फोन में पुराने वीडियोस देखकर दुखी होने का बहुत शौक है, तो ठीक है, अब तुम ये वीडियो लो और इसे संभाल के रखना। और मेरी बात ध्यान से सुनो, निशा एक गलत इंसान थी, उसे दोस्ती का सही मतलब नहीं पता। यू डिजर्व अ बेटर लाइफ, सो जस्ट मूव ऑन। क्योंकि निशा ने ऐसा किया, इसका यह मतलब नहीं कि सबके सब ऐसा ही करेंगे। सब ऐसे नहीं होते। क्रिश, अपने आप को एक चांस दो, दूसरों पे यकीन करो। अगर मेरी बात में जरा सा भी यकीन करती हो तो मेरी एक बात मानो, ट्रस्ट मी, और मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। मूव ऑन क्रिश, यू हैव टू मूव ऑन। चलो नाउ,
गिव मी अ मिलियन डॉलर स्माइल, कम ऑन स्माइल, कम ऑन, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो, कम ऑन स्माइल स्माइल, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। ये ले अब वीडियो, ऐसे वीडियो देखा कर। देख तुझे दिल डोला, दिल मस्ती में बोला, आजा मेरे पास मेरी जा पियेंगे कोको कोला। देख तुझे दिल डोला, दिल मस्ती में बोला, आजा मेरे पास मेरी जा पियेंगे कोको कोला, कोला कोला 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 पियेंगे कोको कोला। इस उम्र में हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और तुम लोग मुझसे ये सब करवा रहे हो। दी कौन सा भी आप बुड्ढे हो गए हो। 10 साल पहले खेलते थे। खेलते तो थे ना। चल नाउ काउंट इट 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या कर रहे हो? वाओ कैसे करना, क्रिकेट खेलने आया हूं, इकट्ठे छुपने आऊंगा ना यहां पे। दोनों साथ में छुपेंगे, इकट्ठे पकड़े जाएंगे। निकलो सुन, निकलो यहां से। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम जाओ यहां से। मैं पहले आई थी। सो व्हाट, तुम जाओ ना यहां से। आउट 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 आउट। क्या यार, तुम जाओ ना, मेरे को बोला था तुम जाओ। मुझसे दूर सनम, मुझको जरा तू बात बता, ऐसी मेरी जान हुई है मुझसे भला क्या खता। क्यों है मुझसे दूर सनम, मुझको जरा तू बात बता, ऐसी मेरी जान हुई है मुझसे भला क्या खता। आशिक तेरा जाना है बड़ा भोला, अरे आशिक तेरा जाना है बड़ा भोला, मैं हूँ ठंडा पानी तू आग का शोला, कोला कोला पियेंगे कोको कोला, कोला कोला पियेंगे कोको कोला। देख तुझे दिल डोला, दिल मस्ती में बोला, आजा मेरे पास मेरी जा पियेंगे कोको। ये हाइड एंड सीक के बहाने यहाँ पे चल क्या रहा था? हम पहले बता देते तो हम आते ही नहीं। कृष्णी, you're blushing. Thanks for coming, Nick. You are so sweet. Bye, Dee. चलो, तुम लोग घर पहुंचो, मैं अपने हीरो के साथ आती हूँ। Bye, Shop. Bye. Bye, guys. Okay. Bye. 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 Take care. Bye. So, 2 दिन में मैं तुम्हारा हीरो बन गया? Not bad. हीरो. मैं तो एमी खुश हो रहा था, ये तुम्हारा हीरो। मतलब? मतलब कुछ नहीं, सोच रहा था कि तुमसे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बाइक मांग लूं, पर खैर अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे हीरो के बीच में। What? Are you serious? Please pinch me. इससे पहले मेरा मूड चेंज हो जाए, चाबी लो। पक्का? चलो। ना है बड़ा भोला, मैं हूँ ठंडा पानी तू आग का शोला, कोला कोला पियेंगे कोको कोला, कोला कोला पियेंगे कोको कोला। देख तुझे दिल डोला, दिल मस्ती में बोला, आजा मेरे पास मेरी जा पियेंगे कोको कोला। देख तुझे दिल डोला, दिल मस्ती में बोला, आजा मेरे पास मेरी जा पियेंगे कोको कोला, कोला कोला 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 पियेंगे कोको कोला। So, thank you for the book. Thank you for the weekend. I'll see you. Sure. Bye.
See you on Monday. Bye. Nick? Yeah? एक मिनट. Yeah? इधर आओ. सैटरडे संडे मेरे साथ प्लान बना ले, अच्छी कंपनी दूंगा. कुछ कहा क्या? इस सैटरडे संडे मेरे साथ प्लान बना ले, अच्छी कंपनी दूंगा. कभी हमारा नंबर भी लगा लो यार. वैसे साल खत्म होने में 3 ही वीकेंड्स बचे. जब भी कहोगी तैयार रहूंगा. कभी हमें भी ले चलो वीकेंड शिकेंड पर. वन नाइट पे हॉ करते थे, ये तो उससे भी आगे है. फ्लर्ट करना अच्छी बात होती है, लेकिन वीकेंड बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड नॉट बैड. क्रिश, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्रिश, क्रिश, उसे क्या हुआ? यार रोकी क्यों जा रही है? मैं तो अभी तो हम आए. आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड. तू तो ढूंढे यार, कैसे करता है ये सब? बहुत थका हुआ लग रहा है यार तू. रॉकिंग वीकेंड. हाँ, क्या कहा तूने सबसे? मैंने तेरी वीकेंड की सारी रिपोर्ट. भाई जिस बंदी को कॉलेज का कोई बंदा पटा नहीं पाया, उसके साथ पूरे वीकेंड अय्याशी करके आया है. बता ना क्या क्या किया. घटिया ही रही हो तू हमेशा. अरे निक सुन तो. सैटरडे संडे मेरे साथ प्लान बना ले, अच्छी कंपनी दूंगा. कभी हमारा नंबर भी लगा लो यार. वन नाइट पे हॉ करते थे, ये तो उससे भी आगे है. फ्लर्ट करना अच्छी बात होती है, लेकिन वीकेंड बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड नॉट बैड.
क्रिश प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, तुम प्लीज एक बार बाहर आ जाओ, प्लीज क्रिश एक बार बाहर आ जाओ, मेरी बात सुन लो। क्रिश मेरी कोई गलती नहीं है, उस दिन शाम को मैंने मजाक में जैसी से कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ वीकेंड पे जा रहा हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनके, उसने उसी बात का गलत मतलब निकाल लिया और पूरे कॉलेज में ढिंढोरा पीट दिया। क्रिश प्लीज यकीन मानो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। क्रिश प्लीज कम आउट, प्लीज क्रिश एक बार बाहर आ जाओ, मेरी बात तो सुन लो क्रिश। क्रिश बहुत जिद्दी हो तुम, जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हो ना, तो ठीक है अब तुम मेरी भी जिद देखो। क्रिश आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, तुम बाहर नहीं है तो मैं कांच तोड़ के अंदर आऊंगा। क्रिश मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कांच तोड़ के अंदर आऊंगा। क्रिश ओपन द डोर। क्या समझती हो तुम खुद को, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। कब से मैं बाहर खड़ा हूं, पागलों की तरह चिल्ला रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए तुम्हें समझ में नहीं आता ना, लाइफ में किसी ने एक बार धोखा दे दिया इसका ये मतलब नहीं कि सबके सब निशा जैसे निकलेंगे। सब निशा के जैसे नहीं होते, ट्रस्ट मी, नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा ट्रस्ट। उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है। लाइफ में एक बुरे एक्सपीरियंस की वजह से कोई जीना छोड़ देता है क्या? ये तो गलत है ना, दिस इज रॉन्ग। मैं मानता हूं कॉलेज में जो हुआ वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्रिश। मैंने नहीं किया वो सब और ना ही मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो। तो तुम क्या चाहते हो निक? एक लंबी बाइक राइड इनटू द सनसेट, जहां बस तुम हो, मैं हूं और एक नेवर एंडिंग रास्ता, जहां तुम्हारे मेरे पीछे खामोशी नहीं, ढेर सारी बातें हों और आंखों से इशारे भी। बोलो चलोगी मेरे साथ? This is what I was talking about. कि आपकी दुनिया एक झटके में बदल जाती है, एक एहसास होता है, एंड थप आपको रियलाइज हो जाता है कि आपको प्यार हो गया, और जैसे ही प्यार का रियलाइजेशन होता है ना, एवरीथिंग बिकम सो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। और यू नो दुनिया की सबसे बड़ी लव स्टोरी जो है ना, आप बिटवीन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पीपल। और आपने तो सुना ही होगा कई बार कि प्यार कभी भी सोच समझ के नहीं किया जाता, कहीं भी कभी भी किसी को भी हो जाता है।